अस्सलामु अलैकुम आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू टीचर्स की जानिब से मुनक्कदा इस 5 रोज़ा ऑनलाइन वर्कशॉप के आज के सेशन में मैं सबा खातून असिस्टेंट प्रोफेसर तमाम असातिज़ा कराम का और आज के हमारे मेहमान खुसूसी का दिली खैर मकदम करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम को बाकायदा आगे बढ़ाने से पहले मैं आप तमाम असातिज़ा के सामने आज के हमारे मेहमान खुसूसी का मुख्तसरन सा तारुफ पेश करती चलूँ। आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब दरसो तदरीस में 20 साल से ज़ायद का तजुर्बा रखते हैं। आपने अपने मास्टर्स की डिग्री उर्दू साइकोलॉजी और एजुकेशन में हासिल की और आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो स्पोकन इंग्लिश के लिए मुक्स का कंटेंट आपने डेवलप किया, दीक्षा के लिए ई कंटेंट डेवलपमेंट में रिव्यूअर का काम अंजाम दिया, इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए ट्रेनिंग मॉडल तैयार किए, सेकेंडरी टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉडल्स तैयार किए, आपने कई स्टेट लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपने एज अ रिसोर्स पर्सन जो है अपनी खिदमत अंजाम दी और मानो के CPDMT में भी आपने कई इंटरैक्टिव सेशंस में आपने एज अ रिसोर्स पर्सन की तरह अपनी खिदमत अंजाम दी। और सर की राइटिंग और पब्लिकेशंस की अगर बात की जाए तो सर ने तकरीबन 25 पेडागोजिकल आर्टिकल्स लिखे हैं जो बहुत ही जल्द एक किताब की शक्ल में मंजर-ए-आम पर आने वाले हैं। और सर ने जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन टेस्ट में भी अपना गाइडेंस दिया और आपने कई मराठी और इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरीज़ को उर्दू में तर्जुमानी दी है जिनमें से एक मराठी स्टोरी शॉर्ट स्टोरी जिसको आपने उर्दू में तर्जुमानी दी है जो एक जिसको अवार्ड भी मिला है जानवरों का व्हाट्सएप जो आपने उर्दू में जिसको तर्जुमानी दी है। मुख्तसरन ये कि आज के इस सेशन से बहुत कुछ सीखकर हम सब अपने साथ लेकर जाएंगे और अपने आने वाली तालीमी सरगर्मियों में अपने दरस तदरीस में इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। सर मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से और सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर्स की जानिब से आपका दिली खैर मकदम करती हूँ सर। वेलकम, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी CPDMT और आज की जो हमारे कन्वीनर हैं मोहतरमा सबा खातून साहिबा का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने सेशन की एक अच्छी शुरुआत की है। तमाम हाजरीन का भी सेशन में इस्तकबाल करते हैं। आज का ये जो सेशन हमारा है ऑडियो बुक्स एंड पॉडकास्ट, इसको इसमें हम लोग सब बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे दौरान गुफ्तगू। आप अपना चैट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, चैट बॉक्स में आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। जितना हम लोग आपस में बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, जितना हम लोग एक दूसरे से ये रहेंगे तो सेशन में हम सबको मज़ा आएगा। तो चैट बॉक्स जहाँ पर इस्तेमाल होगा मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ते चलूँगा साथ ही साथ में, ताकि हम लोग बने रहें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ाते हैं सेशन को। ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट या पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स, जैसे भी आप इसको समझ सकें, इसका हम दरस व तदरीस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉडकास्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए आज का अगर सेशन का ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या आज बात करेंगे, किस किस बारे में हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पॉडकास्ट होता क्या है ना। इसके बाद हम लोग लेंगे कि पॉडकास्ट हमारे लिए कितना मुफीद है, क्यों मुफीद है। तदरीस के दौरान या स्कूल में जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है या इसके अलावा भी उसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ टिप्स हम लोग देखेंगे कि पॉडकास्ट किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग देखेंगे जिसे हम टीचिंग सजेशंस भी कहते हैं कि किस तरीके से हम अपने कमरे जमात में इसको राइज कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को हम राइज कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसका बच्चों को उससे उसका तारुफ किस तरीके से करा सकते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग आज के सेशन में देखेंगे कि ऑडियो बुक्स का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, तो ये साथ ही साथ ऑडियो बुक्स किस तरीके से बनाई जाती हैं वो भी हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉडकास्ट यानी क्या, इस पर हम लोग जरा गौर करेंगे, ठीक है, कि भाई पॉडकास्ट क्या मतलब क्या है, पॉडकास्ट क्या मायने रखता है अपने अंदर। तो पॉडकास्ट दरअसल ना ये दो अल्फाज से बना हुआ लफ्ज है, एक आईपॉड और दूसरा ब्रॉडकास्ट, इन दो अल्फाज से मिलकर ये एक लफ्ज पॉडकास्ट बना है। ये नई टेक्नोलॉजी के तौर पर अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ये चीज है, ठीक है, दो अल्फाज का मजमुआ है। तो पॉडकास्ट की खास बात यह है कि जिस तरह रेडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जा सकता है, देखिए रेडियो से हम कैसे बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, उसी तरीके से पॉडकास्ट से भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जा सकता है। आप पॉडकास्ट का इस्तेमाल करके अपनी बात बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन देखिए ये रेडियो से मुख्तलिफ है, रेडियो की तरह बहुत सारे लोगों तक जा सकता है लेकिन रेडियो से मुख्तलिफ है। रेडियो से किस तरीके से मुख्तलिफ है, अगर हम इस पर बात करेंगे कि भाई पॉडकास्ट और रेडियो में क्या फ़र्क है। तो देखिए रेडियो में जब कोई ब्रॉडकास्ट आती है तो आपको वक्त मुकर्रा पर सुनना पड़ता है ना, जैसे 8:15 पर अगर उर्दू की खबरें आती हैं रेडियो पर तो 8:15 को ही हमको वो सुनना पड़ेगा, या इसके अलावा अगर रिपीट टेलीकास्ट हो तो उसको सुनना पड़ेगा। लेकिन पॉडकास्ट का ऐसा नहीं है, पॉडकास्ट कभी भी सुना जा सकता है। यानी अगर मैं कोई मेरा पॉडकास्ट है मैं सुनना चाह रहा हूँ, किसी और का पॉडकास्ट है मैं वो सुनना अगर चाह रहा हूँ तो ये मैं कभी भी सुन सकता हूँ। तो ये रेडियो से मुख्तलिफ है, रेडियो की तरह ज्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं लेकिन रेडियो से ये ज़रा मुख्तलिफ भी है। तो फिर पॉडकास्ट आप किसे कहेंगे, तो अगर हम उसको थोड़ा सा और तफसील से अगर समझेंगे तो पॉडकास्ट जो है दरअसल एक वेबसाइट पर वेबसाइट बहुत सारी जो इंटरनेट की वेबसाइट जिसे हम कहेंगे तो उसमें उस पर मौजूद एक डिजिटल सूरत में ऑडियो फाइल को हम पॉडकास्ट कहते हैं। मतलब ऑडियो ऑडियो के फॉर्मेट में जो फाइल इंटरनेट पर मौजूद रहेंगी या किसी वेबसाइट पर मौजूद रहेंगी हम उसको भी पॉडकास्ट कह सकते हैं, ठीक है। जिसे उस ऑडियो फाइल को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर पर और मोबाइल पर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये एक पॉडकास्ट किसे कहते हैं ये आप ज़रा समझ लीजिए, ठीक है। आगे बहुत मरतबा इस लफ्ज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं पॉडकास्ट। तो दरअसल ये एक डिजिटल सूरत में मौजूद ऑडियो फाइल तो आप समझते ही होंगे, ऑडियो फाइल यानी जो सुना जा सकता है, जिसे है ना, जिसे सुना जा सकता है, ठीक है। सर वो लिंक शेयर कर दीजिए, यहाँ पर एक लिंक आ रही है आप लोगों के पास, पॉडकास्ट तो आप समझ गए, अब थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना है। एक आपके पास लिंक आ रही है, देखिए एक लिंक आई है आपके पास, वो लिंक है मेंटीमीटर की। आप क्या कीजिए उस पर जाइए, मेंटीमीटर तो हम बहुत दिन से यूज ही कर रहे हैं, आपको आदत हो गई है मेंटीमीटर यूज करने की, है ना, हर सेशन में हम लोग मेंटीमीटर का इस्तेमाल करते ही हैं। जो लोग पुराने लोग हैं जो सेशन कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, मेंटीमीटर पर जाइए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए जो लिंक चैट बॉक्स में आ चुकी है, देखिए ठीक है, चैट बॉक्स में लिंक आपके पास आई है। क्या करना है आपको, इस लिंक पर जाना है, जाने के बाद वहां पर एक सवाल है आपके लिए कि हम पॉडकास्ट का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, पॉडकास्ट का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करना है, ठीक है। तीन लफ्ज आपको लिखने का है, पॉडकास्ट का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं, तीन लफ्ज आपको लिखना है, ठीक है। वो लफ्ज यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर अपने को नजर आएंगे, आप लिखते चलिए, अगर वो कोड पूछे तो 74 मैसेज पहुंचाने के लिए। देखिए सवाल क्या है कि हम मतलब कौन, हम मतलब टीचर्स, है ना, हम मतलब कौन, हम टीचर्स, कहाँ मतलब कैसे किस तरह मतलब किस जीवन में, स्कूल के एनवायरनमेंट में आप सोचिए, है ना, स्कूल के एनवायरनमेंट में आप सोचिए कि भाई स्कूल की सरगर्मियाँ या दर्स व तदरीस से मुतालिक सरगर्मियों में हम पॉडकास्ट का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। देखिए एक हमारे पास एक कमेंट आ चुका है, मैसेज पहुँचाने के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, और लिखिए, सबको लिखना है, जितने लोग यहाँ पर मौजूद है ना सबको लिखना है उस पर। अगर आपसे वो कोड पूछे तो लिखें 744853, लिखें चैट बॉक्स में ना लिखें, इधर ही लिखें, तीन लफ्ज आप लिखें कि भाई पॉडकास्ट का इस्तेमाल बहसियत टीचर हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं,
ठीक है। तीन लफ्ज लिखने के बाद उसको क्या कीजिए, आप सबमिट कीजिए। मेंटीमीटर जो लिंक ऊपर चैट बॉक्स में डाली गई है, उस लिंक पर क्या करना है आपको, क्लिक करना है। वो आपसे कोड पूछेगा, कोड डालिए आप 744853 और तीन लफ्ज लिखिए कि हम पॉडकास्ट का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। अरे यार नाम लिख डाले आपने तो, अहमद खतीब मुबीन, तीनों के नाम नहीं लिखने का है कि भाई हम पॉडकास्ट किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पर टीचर हैं हम लोग, तो आप सोचिए थोड़ा सा कि भाई पढ़ने पढ़ाने में, सीखने में, स्कूल की जो सरगर्मियां हैं उन सरगर्मियों में हम पॉडकास्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस पर आपको सोचना है। पॉडकास्ट बताया मैंने कि भाई एक ऑडियो सर्विस है, डिजिटल फाइल है, ऑडियो फाइल, ऑडियो फॉर्मेट का एक सर्विस है। तो ऑडियो की सूरत में हम पॉडकास्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसको आपको बताना है। थोड़ा सा सोचिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। ऑडियो ब्रस लिसन मीटिंग सुनने के लिए, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीच स्टूडेंट, ठीक है। देखिए आप जो भी लव लिख रहे ना, यहाँ पे नजर आ रहा है टीच स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा कंसेप्ट हो गया, इसको और थोड़ा सा छोटा करके और लिखिए आप लोग कि पर्टिकुलर एक्टिविटीज लिखने की हम लोग आदत डालेंगे। देखिए खुलासा एक लिखा हुआ है, देखिए खुलासा करने के लिए, पोएम के लिए, ठीक है, पोएम्स के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। और चार लोगों ने लिखा, बहुत सारे लोग हैं, लिखते चले उसके ऊपर, सोचिए थोड़ा सा और लिखते चले। नज्मों का इस्तेमाल, नज्मों को पढ़ाने में हम कर सकते हैं, या किसी चीज का तदरीसी खुलासा पेश करने के लिए हम कर सकते हैं। रिवीजन भी दिया है, देखिए किसी ने लिखा है रिवीजन के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। रिवीजन के लिए यानी जो भी हम स्कूल में रोज पढ़ा रहे हैं उसके रिवीजन के लिए पॉडकास्ट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चार ही लोगों ने लिखा, बाकी के लोग सिर्फ सुन रहे हैं। सुनना नहीं है बल्कि पार्टिसिपेट होना है आप लोगों को भी, जब ही तो हम लोग कुछ सीख पाएंगे सब मिलकर, ठीक है। आप लोग अगर लिखेंगे तो भी मैं बता पाऊंगा ना। उसका पासवर्ड क्या है, 744853 ऐसे डालिए, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ यहाँ पर आपके लिए चैट बॉक्स में, 744853। ठीक है, पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करके मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है, ठीक है। और नहीं, मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो किस तरीके से क्या करेंगे आप? आप टीचर हैं, अपने बच्चों के साथ आपको पॉडकास्ट का इस्तेमाल करना है, तो आप क्या कर सकते, क्या करेंगे? तीन कोई एक्टिविटी कोई इनकी, तीन कोई सरगर्मियाँ लिखिए, या तीन कोई ऐसे काम लिखिए, जैसे एक रिविजन एक अच्छा आ गया, पोएम्स पढ़ाने के लिए है, ठीक है, खुलासा एक अच्छा आ गया, ऐसे कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स लिखे आप। ठीक है, जो लोग देर से आए हैं उनके लिए एक सवाल यहाँ पर है कि ऊपर चैट बॉक्स में देखिए एक लिंक दी हुई है menti.com की, उस लिंक पर आपको जाना है। वहां पर एक सवाल है कि भाई पॉडकास्ट का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सवाल है। अब पॉडकास्ट एक ऑडियो बेस्ड सर्विस है, ऑडियो की शक्ल में इस्तेमाल की जाने वाली फाइल्स जिसे हम कहेंगे, तो ये बात, ये पॉडकास्ट की सर्विस हम अपने स्कूल में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आपको तीन लफ्ज लिखना है। चलो रुक गए, बाकी वाले लोग नहीं लिख रहे, ऐसा रुकना नहीं है, वर्ड क्लाउड जो है ना बहुत सारा बन जाना है, ठीक है। अपना सोचिए आप, फिर लिखिए। मेंटीमीटर यूज करने में कोई दुश्वारी है तो चैट बॉक्स में लिखो आपके, सर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्या दुश्वारी आ रही है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन आप उस पर जाके जरूर लिखिए आप, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, सात लोगों ने लिखा चैट करने के लिए, ठीक है, एक नया लफ्ज हमारे पास आया कि चैट करने के लिए यानी बात करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है। हाँ सैयद मुबीन साहब, नाम नहीं लिखना था, आपने अपना नाम लिख दिए। नाम नहीं लिखना था बल्कि पॉडकास्ट का इस्तेमाल हम अपने स्कूल में कहाँ कर सकते हैं, तो तीन सरगर्मियों के नाम लिख सकते लिखना था। ठीक है चलिए, एग्जाम के लिए या एग्जामिन के, ठीक है देखिए, जांच के लिए है ना, जांच के लिए, तजुर्बात के लिए। ठीक है रफ्तार बढ़ाइए आप लोग अपनी। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी लिखा है अब्दुल मुनीब हनफी साहब ने कि बुलंद खानी करने के लिए लिखा। हाँ अगर मेंटीमीटर पर लिखे तो और ज्यादा बेहतर होगा, आपका लिखा हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है तो इस तरीके से अगर हम देखें तो चलिए, बहुत कम लोगों ने लिखा लेकिन जो भी लिखा है अच्छा लिखा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, वक्त की कमी के खातिर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है देखो, पॉडकास्ट का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। ठीक है पॉडकास्ट का इस्तेमाल हम तदरीस में कर सकते हैं, तदरीस मतलब टीचिंग में हम लोग कर सकते हैं। अब टीचिंग में हम क्या करेंगे तो देखिए कि हमारी क्लास में जो बच्चे, जैसे पहली जमात के बच्चे हैं या दहम जमात के बच्चे हैं, जो भी उम्र के बच्चे हैं, तो उन उम्र के बच्चों की पसंद, ज़रूरत और सेहत के लिहाज, सतह के लिहाज से मोतबर मवाद की तैयारी हम कर सकते हैं। देखिए ऑथेंटिक मटेरियल हम जिसे कहते हैं है ना, तदरीस के लिए ऑथेंटिक मटेरियल हम लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे हमारी क्लास है, मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों में से समझ लीजिए कुछ बच्चों की पसंद खेलों पर है, कुछ बच्चों की पसंद सकाफती प्रोग्राम्स में है ना। तो ऐसे पसंद के अतबार से जो बच्चों को अच्छा लगे और उनकी लेवल के हिसाब से, जो उनकी जो आमोजिशी लेवल कहेंगे, जिसमें लर्निंग लेवल होती है हर एक की, उसके हिसाब से सुनने का मवाद हम तैयार कर सकते हैं, मोतबर मवाद तैयार कर सकते हैं ना। अभी बहुत सारा आपको देखेंगे फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे आपको, वीडियोज़ मिलेंगी, लेकिन ऑडियो सुनने के लिए मवाद की बहुत कमी होती है। तो हम पॉडकास्ट का इस्तेमाल करके सुनने के लिए एक मोतबर ऑथेंटिक मटेरियल हम लोग तैयार करते हैं, ऑथेंटिक रिसोर्सेज जिसे हम कहेंगे हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है अब ये मवाद कैसा हो सकता है, ये मवाद आपकी निसाबी किताबों पर मबनी हो सकता है। समझ लीजिए अगर मैं रियाजी का टीचर हूँ तो मैं रियाजी के मजमून पर मबनी पॉडकास्ट बना सकता हूँ। हम आगे देखेंगे कि हम पॉडकास्ट कैसे और बना सकते हैं, हम उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं है ना। अगर मैं ज़बानदानी उर्दू का अगर मैं टीचर हूँ, मैं उर्दू ज़बान पढ़ाता हूँ, तो फिर मैं अपनी उर्दू की जो दरसी किताबें हैं, पंजुम शशुम हकुम, जो भी जमात को आप पढ़ाते हैं, उन जमात की निसाबी किताबों पर मबनी पॉडकास्ट तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है ताकि क्या कर सकें, हम दौरान तदरीस उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरीके से तदरीस में यानी पढ़ाने में, पढ़ने के सीखने के अमल में भी हम क्या कर सकते हैं, पॉडकास्ट का इस्तेमाल कर सकते। दूसरा है कि कदर पैमाई के लिए यानी जांच के लिए, जांच के लिए भी हम पॉडकास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई समझ लीजिए आपने कोई लेसन पढ़ाया है कि भाई तुलबा को, बच्चों को कितना समझ में आया, तो पॉडकास्ट के जरिए आप अपने बच्चों की उसूलियाबी की जाँच भी कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे ज़बानदानी की, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आप, तो समझ लीजिए आपको प्रोनंसिएशन बच्चों का चेक करना है। अब जब बच्चे कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, कोरस में बच्चे आंसर देते हैं, तो बच्चों का प्रोनंसिएशन किस तरीके से सही है या बच्चे सही उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम पॉडकास्ट का इस्तेमाल करते हुए बच्चों की कदर पैमाई हम कर सकते हैं कि भाई ये प्रोनंसिएशन बच्चों का ठीक हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा भी बच्चों के अंडरस्टैंडिंग की जांच भी हम कर सकते हैं, फहम की जांच भी हम कर सकते हैं, यानी कोई लेसन हो गया आपका पढ़ाना, उसमें बच्चों ने कितना समझा उसकी भी कर सकते हैं, या कोई मुजाहरा है या कोई तजुर्बा है उसकी भी जांच हम पॉडकास्ट के जरिए कर सकते हैं। आगे देखेंगे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और आगे देखेंगे। ठीक है इसके अलावा देखिए हम कदर पैमाई क्यों करते हैं कि बच्चों को कहाँ सपोर्ट देने की ज़रूरत है। ठीक है तो जिस वजह से हम उसूलियाबी की जांच भी करते हैं, तो जांच के बाद हमको समझ में आएगा कि यार बच्चों को यहाँ यहाँ सपोर्ट करना है, प्रोनंसिएशन में सपोर्ट करना है, तो उनको ज़रूरी मदद भी हम पहुँचाई जा सकती है। तो पॉडकास्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है।
इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, इजाफी सरगर्मियां हम मुनक्किद कर सकते हैं, जैसे बच्चे खुद के अपने पॉडकास्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आप उनको क्या बोलेंगे, उनको एक तरबियत दें या उनको बताएं कि पॉडकास्ट कैसे हो सकता है, आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो बच्चे भी अपने खुद के पॉडकास्ट तैयार कर सकते हैं। ये उनको अपने पॉडकास्ट तैयार करने का बच्चों का मौका है। तो इस तरीके से सरगर्मियों में भी हम पॉडकास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे NCF 2010 में कहा गया कि भाई जो बाहर की दुनिया है उसको कमरे जमात की दुनिया से मरबूत करना, कमरे जमात से मरबूत करना, यानी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों की आसपास की ज़िंदगी से मुतालिक होना चाहिए। तो फिर पॉडकास्ट का इस्तेमाल करते हुए हम बाहर की दुनिया को या बच्चों की तजुर्बाती दुनिया को हम क्या कर सकते हैं, कमरे जमात में ला सकते हैं। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, अभी दुनिया बदल रही है, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, तो बदलते वक्त के मुनासिबत से जो है दुनिया की तब्दीलियां भी बहुत तब्दीलियां हो रही हैं। अलग अलग मौजूआत हैं, जैसे अभी क्लाइमेट चेंज, ये एक अलग मौजू है हमारे पास, है ना। उसके अलावा देखिए ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहेंगे, या फिर पीस, अमन और शांति, ये भी एक अलग टॉपिक है। मुख्तलिफ किस्म के जो भेदभाव हैं उनको ख़त्म करना, मज़हब पर मबनी भेदभाव, नस्ल पर मबनी भेदभाव, ये अलग अलग मौजूआत पूरे दुनिया के अंदर हैं, है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन है, तो ये नए मौजूआत को भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्लासों में शामिल कर सकते हैं पॉडकास्ट के ज़रिए। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, पॉडकास्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, ये तीन ज़ुमरों में हमने उसको समझने की कोशिश की। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, लिखिए चैट बॉक्स में, है आप लोग समझ में आ रहे हैं। तो पॉडकास्ट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तदरीस में कर सकते हैं, कदर पैमाई में कर सकते हैं, या कोई जो बोलते हैं ना सरगर्मी, एक्स्ट्रा करिकुलर सरगर्मियां हैं उसमें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग हैं मेरे साथ, ठीक है। चलिए, फौजिया कौशल ने कहा यस सर, हाँ चलिए, तो ये समझ लीजिए, अपने साथ नोट्स भी करते चलिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप। ठीक है, तो आप देखिए पॉडकास्ट जो है दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहली तो बात आएंगे सुनने के लिए, आप समझ लीजिए अगर मैंने अपना पॉडकास्ट तैयार किया है मिसाल के तौर पर, तो आप मेरा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। तो सुनने के लिए आपको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, पॉडकास्ट अगर सुनना है तो मुझे कंप्यूटर और मोबाइल की ज़रूरत रहेगी, जिसके ऊपर इंटरनेट रहे, इंटरनेट वाली सर्विस हो जिसके ऊपर। तो कंप्यूटर मोबाइल अगर मेरे पास है तो मैं किसी भी पॉडकास्ट को सुन सकता हूँ। ठीक है, एक ज़रूरी लाजमी चीज़ है। फिर कंप्यूटर मोबाइल आपका ऐसा हो जिसमें हेडफोन हो या स्पीकर हो, है ना, दोनों में से कोई भी चीज़ अगर है तो उस पर आप क्या करते हैं पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो सुनने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना। ऐसा मोबाइल जिस पर इंटरनेट ना आता हो तो उस पर आपको पॉडकास्ट सुनने में आपको दुश्वारी होगी। तो ऐसा कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप हो जिस पर क्या हो, इंटरनेट का कनेक्शन हो, हेडफोन और स्पीकर हो, तो उसको आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ सुनने के लिए हो गया। आप अपना पॉडकास्ट तैयार भी कर सकते हैं, आप अपना पॉडकास्ट बना भी सकते हैं। फिर बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से वसाइल की ज़रूरत है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। आपके पास अगर कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो आप क्या कर सकते हैं, पॉडकास्ट बनाने के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए कि कंप्यूटर मोबाइल रहने के बाद कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, है ना, कोई एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जैसे रिकॉर्डिंग के लिए, जिस पर आप अपना आवाज़ क्या कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें। तो एक प्लेटफॉर्म, एक मीडिया की ज़रूरत होती है, समझ लीजिए अपने को, है ना। मीडिया कोई ऐप हो सकता है या कोई वेबसाइट हो सकती है, या आपके फ़ोन के अंदर जो रिकॉर्डर होता है वो भी एक प्लेटफॉर्म है, समझ लीजिए, है ना, जहाँ वॉइस रिकॉर्डर होता है हमारे फ़ोन के अंदर, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है। तो बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। ठीक है, दो चीज़ें अगर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पॉडकास्ट बना सकते हैं। अब देखिए आप अपना पॉडकास्ट कहाँ बना सकते हैं, अपना पॉडकास्ट बनाने के लिए हमको कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स निकाले हैं, इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, और प्लेटफॉर्म ढूंढ सकते हैं। आप इसके नोट्स ले लें, एंकर नाम की एक ऐप है या वेबसाइट भी, इस पर आप अपना पॉडकास्ट बना सकते हैं, बहुत आसान है। एंकर पर अपना पॉडकास्ट बनाना बहुत आसान है, क्या करना है, सिर्फ एक प्ले स्टोर से जाके वो ऐप डाउनलोड करना है आपको,
और आपको अपना रिकॉर्डिंग शुरू करना है। आप अपने उसको एपिसोड वाइज भी बना सकते हैं, उसको आप एपिसोड को नाम दे सकते हैं, सीरीज दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, लेकिन एंकर पर जो आप पॉडकास्ट बनाएंगे वो सारी दुनिया के लिए अवेलेबल रहेगा। यानी जो भी कंटेंट आप बनाएंगे तो सारी दुनिया उसको सर्च करके क्या कर सकती है, सुन सकती है, ठीक है। और एंकर क्या करता है, एंकर क्या करता है, आपका पोस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल करके दे, जैसे गूगल के भी पॉडकास्ट है तो एंकर गूगल के पॉडकास्ट पर भी आप कर देता है, स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई पर भी आपका पॉडकास्ट सुना जा सकता है जो एंकर पर तैयार हुआ। इस तरह से बहुत सारे वेरीड प्लेटफॉर्म पर एंकर आपका पॉडकास्ट देता है, तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर समझ लीजिए आपको सिर्फ अपने बच्चों के साथ काम करना है, आपके 30-40 बच्चे जो क्लासरूम के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो क्लासरूम के जो बच्चे हैं उनके साथ ही आपको करना है, आपको सारी दुनिया को नहीं बताना है, तो फिर आप व्हाट्सएप की ऑडियो सर्विस आप ले सकते हैं, है ना, जो सिर्फ आपको क्या रहेंगे, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेंगे, जो आप और अपनी जमात के बच्चे या आपका जो क्लासरूम का ग्रुप है वो सुन सकते हैं, तो व्हाट्सएप पर भी एक ब्रॉडकास्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपने जो ऑडियो फाइल आप अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर आप रिकॉर्ड कर लीजिए, जो भी आपसे आपके निसाब के हिसाब से, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ज़बानदानी की बात करें उर्दू की है, तो उर्दू के जो असबाक हैं, सबक हैं, नज़्म हैं, हमद हैं, रुबाई है, कसीदे हैं, कहानियां हैं, अफसाने हैं, नावल के कोई इख्तिबास है, आप उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं आप, और वो ड्राइव की लिंक फिर हम दूसरे कंप्यूटर को भी दे सकते हैं, तो वहाँ से भी क्या हो सकता है, ये सुना जा सकता है। तो इस तरीके से भी ड्राइव पर भी आप अपना ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। साउंड रिकॉर्डर की तो बात हमने की ही है, साउंड रिकॉर्डर पर भी आप कर सकते हैं। वॉइस नोट्स बोलकर भी एक ऐप आता है, तो वॉइस नोट्स पर भी आप अपना पॉडकास्ट बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप अपना पॉडकास्ट किस लिए बना रहे हैं, है ना। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर ये दूसरी सर्विसेज इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सारे लोगों के लिए बना, पूरे टीचर्स के लिए अगर आप पॉडकास्ट बना रहे हैं तो पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स जो मैंने बताया आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे अहम सेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से आपको चैट बॉक्स में अब लिखते चलना है, ठीक है। जैसा पहला सवाल हमारा था कि भाई अब पॉडकास्ट मुझे अपनी क्लास में यूज़ करने का है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँ, तो इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, मैंने कुछ एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए निकाला है, ठीक है। तो अब एक्टिविटीज़ कैसी कैसी कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, हम पहले एक्टिविटी ले सकते हैं ड्रिल वाली। ड्रिल यानी क्या, मश्क जिसे हम कहेंगे, है ना, रिपीटेशन करना, मश्क करना। जैसा इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अक्सर क्या होता है, जैसे उर्दू के कुछ अल्फाज हैं, दौर पढ़ना है या दूर पढ़ना है। जैसे अभी नज्म के अंदर कोई बात आई, एक नज्म का एक शेर में समझो दौर पढ़ना था, तो मैं पढ़ते पढ़ते उसको दूर पढ़ गया, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो वो छोटे अल्फाज आप क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं और बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चे क्या करेंगे, उसको आपकी आवाज़ सुनकर बार बार उसको रिपीट करेंगे, प्रोनंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्लासरूम में क्या होता है कि जब आप पढ़ाते हैं और तो बच्चों का जो ध्यान होता, देखिए तो कभी बच्चों का अगर अटेंशन जो उनका डिस्टर्ब हो गया वो सुन नहीं पाते, तो उससे अगर आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके बच्चों के मोबाइल पर अगर भेज दें तो फिर वो बच्चा क्या करेगा, उस आवाज़ को सुन के प्रैक्टिस करेगा, है ना। और जब बच्चा मोबाइल से सुन रहा है तो उसका सुनने का जो बोलेंगे ध्यान से वो सुनेगा, क्योंकि क्लास का सुनना और मोबाइल में सुनना उसका बामकसद सुन रहा है ना वो, तो इसलिए वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मश्क के लिए पॉडकास्ट सबसे बेहतरीन है। मश्क किसी चीज़ की मश्क करवाने की है, जैसे प्रोनंसिएशन की है, आपको बच्चों को अशआर याद कराने हैं, उर्दू की मिसालें बार बार मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग उर्दू मीडियम के टीचर्स हैं, है ना, लैंग्वेज की मिसाल दे रहा हूँ मैं। आप समझो आपको साइंस के फॉर्मूले अगर बच्चों को याद करवाने हैं, है ना, तो उनके नाम होते हैं साइंस के नाम, जैसे खास करके बायोलॉजी के जो नाम होते हैं, कोई कोई कंसेप्ट के नाम होते हैं, वो बच्चों को वो नाम पढ़ते नहीं आते, बच्चों का नाम नहीं बोलते आते, है ना। तो जैसे न्यूरो बायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या ऐसे नाम जो बड़े बड़े हैं, या उर्दू उसके तर्जुमे जो हैं वो मुश्किल होते हैं। तो यहाँ पर मश्क के जरिए आप अपनी आवाज़ में उसको रिकॉर्ड कर लीजिए,
उन अल्फाज को जिसके आप मश्क कराना चाहते हैं और उसको बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। यह हम कर सकते हैं पॉडकास्ट का इस्तेमाल, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर लैंग्वेज के अगर आप टीचर हैं तो सुनने और पढ़ने के लिए पॉडकास्ट दे सकते हैं हम लोग, है ना। सुनने और पढ़ने के लिए पॉडकास्ट कैसे दिया जा सकता है? अक्सर क्या होता है, हम पढ़ने के लिए जब बच्चों को कोई चीज़ इख्तिबास दी, समझ लीजिए आप एक इख्तिबास दे दिए, सर सैयद अहमद खान पर एक इख्तिबास है, ठीक है, और आपने कहा कि बच्चों इसको पढ़ो, लेकिन पढ़ने के दौरान क्या होता है, बच्चे अपनी रवानी से रमूज अख़ाब का ख्याल ना रखते हुए या उनके एक अपना पढ़ने का ढंग स्टाइल होता है, तो बच्चों की किताब खुली रहे और आपका पॉडकास्ट शुरू रहे। पॉडकास्ट क्या देखे, टीचर की पढ़ने की रफ्तार और बच्चों की पढ़ने की रफ्तार, तो बच्चे उस रफ्तार से क्या होंगे, पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। यहाँ पर भी हम पॉडकास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, सैयद मुबीन ने कहा कि LSRW में हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग में हम कर सकते हैं, ठीक है, है ना। सुनने और पढ़ने के लिए, सुनने और पढ़ने का कंसेप्ट मैं जो बताना आपको चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं क्या आप, कि साइमल्टेनियसली सुनना और पढ़ना, बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो किताब उनकी खुली रहे, सुने भी और बराबर किताब से वो लोग पढ़ें, तो यहाँ पर भी पॉडकास्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिक्टेशन में भी हम लोग कर सकते हैं, है ना, डिक्टेट करना, इमला निवेशी इसको बोलेंगे, सुनकर लिखना, सुनना और लिखना, यहाँ पर भी हम पॉडकास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी जबान में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, आप मैथमेटिक्स की टीचिंग में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ लो आप कोई इबारती सवाल जो है बच्चों से करवाना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप तख्ते से यहाँ पे हर बार सवाल लिखते हैं, तो आप अपने सवाल को रिकॉर्ड कर लीजिए और क्लासरूम में उसको प्ले कर लीजिए, है ना, तो आपको उतना वक्त बचेगा। बच्चों को बोलेंगे कि सुनिए और सवाल को हल कीजिए, यहाँ पर भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, किसी एक मजमून से मुतालिक ही उसको महदूद नहीं करो, बल्कि हर जगह पॉडकास्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सुनना और लिखने में एक चीज़ और हम कर सकते हैं, समझो मैं शहरियत की तजवीज़ कर रहा हूँ, सिविक्स में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप सिविक्स में हम पढ़ा रहे हैं कि भाई हमारे मुल्क का जो है वफाकी हुकूमत हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना, वफाकी हुकूमत क्या होती है बच्चों को, तो उसके अहम अल्फाज जो है या अहम लफ्ज़ का डिस्क्रिप्शन जो है आप बच्चों को लिखाना चाह रहे हैं, नोट्स देना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उस नोट्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और बच्चों को कहेंगे कि आप सुनो और लिखो, उस रफ्तार में ये कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इमला निवेशी भी आ गया, डिक्टेशन में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो चार एक्टिविटीज़ है, ये जनरली जो है ना एक क्या बोलेंगे, बच्चों की एक कम लेवल वाली सरगर्मियाँ हैं, ठीक है, कम लेवल मतलब इसको कहेंगे जहाँ रिपीटेशन है, जहाँ ज़्यादा कुछ सोचने का काम नहीं है, समझ लीजिए, है ना। तो जैसे जो बिगनर्स हैं, अभी जो लोग बच्चे पढ़ना सीख रहे हैं या जो बच्चे अभी स्कूल में आते हैं लेकिन उनकी जो LSRW है या किसी भी समझ लो उनकी उसूलियाबी की कमी है, अचीवमेंट उनका कम है, तो उन बच्चों के साथ हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ हायर लेवल की भी एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप अपनी क्लास का लर्निंग जर्नल, आमोजिशी जर्नल आप तैयार कर सकते हैं। जर्नल, जर्नल समझ रहे हैं ना आप लोग, मैगजीन जैसा होता है, समझ लीजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हैं, आमोजिशी जर्नल आप तैयार कर सकते हैं। ये कैसा होगा, समझ लो आज का पूरा दिन बच्चों ने स्कूल में गुजारा, अब मैं 10वीं जमात का क्लास टीचर हूँ, ठीक है, तो अब मैंने बच्चों से कहा कि आप क्या करना है, घर पे जाने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑडियो फाइल्स में सारा चीज बोलना है कि भाई आज आपने दिन भर स्कूल में क्या सीखा, ठीक है। तो बच्चे शुरू करेंगे कि पहले पीरियड से, पहले उर्दू का पीरियड था उसमें हमने जिगर मुरादाबादी की हमने गजल सीखी, फिर मैथ्स के पीरियड में हमने देखा कि भाई कसीर रुकनी की जमा किस तरीके से की जा सकती है, तारीख में हम लोगों ने मुगलों की या 1857 की जंग आज़ादी के बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरीके से हर बच्चा अपना क्या कर सकता है, आमोजिशी जर्नल तैयार कर सकता है और उसको कभी भी सुन सकता है। देखो उसका याद हो सकता है कि नहीं हो सकता, रिपीट कभी भी हो सकता हो, यानी वो एक बार बच्चा अगर उसको पढ़ ले और उसको रिकॉर्ड कर ले और वो बोले, अपना पढ़ना नहीं बल्कि बोलना उसने बच्चों ने, उसको व्हाट्सएप पर भेजना, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऐसा जर्नल तैयार हो जाएगा, हर बच्चा जब ये इस तरीके से जर्नल तैयार करेगा तो उसके लर्निंग में कहीं ना कहीं फायदा होगा कि नहीं होगा। इसका फायदा एक होता है कि बच्चों के अंदर एक खुद एतमादी में इजाफा होगा, है ना, एक अलग डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए हमको बोलना है हमने क्या क्या सीखा, तो बच्चे फिर गौर करेंगे, कहीं ना कहीं पढ़ने में उनकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, ठीक है।
इसके अलावा उस जर्नल में क्या हो सकता है कि भी किसी खास मजमून की आमोजिश क्या हो, जैसे मिसाल के तौर पर साइंस में हमने क्या सीखा, तो मतलब साइंस का लर्निंग जर्नल जर्नल आप बना सकते हैं, या आप मैथमेटिक्स का लर्निंग जर्नल आप बना सकते हैं, है ना, या फिर आप सिविक्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, किसी भी खास मजमून का आमोजिश जर्नल बना सकते हैं, यानी जिस मजमून के आप टीचर हैं उस पर आप क्या कर सकते हैं, उस मजमून का आप जर्नल बना सकते हैं। कौन बनाएगा? एक तो आप भी बना सकते हैं, वैसे तो टीचर आप क्या करेंगे स्कूल के बाद पूरा एक रिकॉर्ड करेंगे कि भाई आज हमारी साइंस की क्लास में हमने लाइट या नूर ये सबक हमने पढ़ा, इस सबक में हमने इंतशार नूर के बारे में पढ़ा, इनेकास के बारे में पढ़ा, प्रिज्म का इस्तेमाल के बारे में पढ़ा, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये आपका साइंस जर्नल हो गया। उसके बाद आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, बच्चों को भी कह सकते हैं कि भाई आप अपना लर्निंग जर्नल बनाओ, आपने क्या सीखा उस पर आप बनाओ, ठीक है। एक चीज और हो सकती है कि बच्चों को आप ऐसा हर दिन दे सकते हैं कि भाई आप समझो संडे है, संडे को छुट्टी है, या कोई दिवाली वैकेशन है, या कहीं और छुट्टी है, या दिन भर का घर में आपने क्या मशक की, घर में आपने दिन भर में क्या क्या काम किया, उसका आप क्या कीजिए, पॉडकास्ट बनाइए, उसका उसको आप रिकॉर्ड कीजिए, बच्चों से आप कहेंगे, बच्चों को बहुत मजा आएगा, है ना, बहुत मजा आएगा। बच्चे रिकॉर्ड करेंगे कि भाई आज सुबह जब मैं जागा तो हमारे घर में पानी नहीं था, है ना, देहात के अगर बच्चे हैं तो पानी लाने के लिए मुझे कुएं पर जाना पड़ा, कुएं पर जब मैं जा रहा था तो बहुत सारे खेत मंजर पहाड़ मैंने देखे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बच्चे कर सकते हैं। एक बाल्टी पानी लाने के लिए मुझे इतना वक्त लग गया, मेरा जो भी चीज़ें हैं बच्चे अपने तजुर्बात कर सकते हैं, जो काम बच्चों ने किया है उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक ये भी कर सकते हैं, हाँ एक ये भी किया जा सकता है कि जो नुकात नहीं समझ पाए, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चों को आप कह दें, बच्चे क्या होते हैं कमरे जमात में बोलने में शर्माते हैं, तो बच्चों को आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई देखो घर पे जाओ रिकॉर्ड करो जो भी आपको समझ में नहीं आया, वो नुकात को मुझे फिर से आप क्या करो व्हाट्सअप कर पर भेज दो, या फिर उसको आवाज़ रिकॉर्ड करके आप भेज दो, वो हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आमोजिशी जर्नल में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन भी के लिए भी हम आमोजिशी जर्नल इस्तेमाल करते हैं। तो हर बच्चे का एक लर्निंग जर्नल ऑडियो जर्नल बनना चाहिए, है ना। अक्सर स्कूलों में क्या होता है कि लिखने का काम दिया जाता है, बस लिखो लिखो लिखो, और फिर बच्चे बोर हो जाते हैं लिखते लिखते, बोलेंगे अब कितना लिखना, साइंस के टीचर आ रहे हैं उन्होंने बड़े लिखो, सवाल जवाब लिखो, मश्क सवाल हल करो, ये करो वो करो, बहरहाल कितना लिखेंगे। तो एक अलग तरीके से इस तरीके से अब बच्चों को काम दिया जाता है। देखिए 21वीं सदी के बच्चे हैं, है ना, 21वीं सदी के बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत आती है कि बच्चे मोबाइल से दूर नहीं है, तो हमको उनको अल्टरनेट देने की जरूरत है। तो ये आमोजिशी जर्नल जो बोला ना, लर्निंग जर्नल जो हो गया, ये एक अल्टरनेट है बच्चों के लिए। बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल जरूर करें, इंटरनेट का इस्तेमाल करें, और अपना लर्निंग जर्नल खुद क्रिएट करें, और वो क्या करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्या करें वो अपने टीचर के साथ शेयर करें। इस तरीके से हमको अल्टरनेटिव देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल सिखाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम पॉडकास्ट का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से हम हमारा लर्निंग जर्नल तैयार करें। एक नमूना आप बच्चों को बनाकर बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, फिर खुद तैयार करेंगे। तो लर्निंग जर्नल समझ में आए सबके, चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, लर्निंग जर्नल क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए। देखो जो लोग हमारे साथ बने हैं ना, तो सब लोग बोलेंगे यस सर, और जो खाली सुन रहे हैं वो चैट बॉक्स में नहीं लिख ही नहीं रहे, उन लोग चैट बॉक्स में लिखते चलना चाहिए, तो फिर आएगा। मैं अकेला
सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर, आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी इशू है। शायद कनेक्टिविटी इशू की वजह से सर का जो है यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। सो आप तमाम असातिज़ा कराम से गुजारिश है कि आप जुड़े रहें, ठीक है सर, अभी कुछ ही देर में जो है हमारे यहाँ पर सर जुड़ेंगे। तमाम असातिज़ा कराम से गुजारिश है कि वो जुड़े रहें, कनेक्टिविटी इशू की तरफ से हमारा कनेक्शन जो है टूट चुका है सर के पास से। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप बने रहें, कुछ ही लम्हात में सर फिर से ज्वाइन होंगे। और अगर आपके आपके पास किसी तरह के सवाल हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो आप अपने सवाल यूट्यूब के चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, सर सेशन के आखिर में इसके जवाब देंगे।
तमाम उसातिज़ा इकराम से गुजारिश है कि वो बने रहें हमारे साथ, यूट्यूब पर जुड़े रहें। कनेक्टिविटी इशू की तरफ से सर हम जो है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कुछ ही पल में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, सो आप थोड़ा सा सब्र रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर किसी किस्म के सवाल अगर हैं तो वो सवाल आप यूट्यूब के चैट बॉक्स पर डाल सकते हैं, सेशन के आखिर में जो है सर उसके जवाब आ देंगे। सर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं।
सर आपका आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रही है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग? जी जी सर बिल्कुल। मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ और मैं अपना स्क्रीन जो है ना अभी कुछ देर में शेयर करूंगा वापस से लैपटॉप से ज्वाइन होने के बाद। लैपटॉप में कुछ इशू होने की वजह से मैं उससे नहीं जुड़ पाया। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे अपने पर्सनल जर्नल की। आवाज आ रही है अभी मेरे ना, सुन पा रहे सब? तो हम लोग बात कर रहे थे कि भी किस तरीके से हम अपना लर्निंग जर्नल के अलावा बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना पर्सनल जर्नल भी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो पॉडकास्ट के जरिए क्या हो सकता है, बच्चे अपना पर्सनल जर्नल भी बना सकते हैं, जो अपने मुशाहिदात एहसासात या उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है या गांव में शहरों में होने वाली तहजीबी और सकाफती जो सरगर्मियां हैं, त्योहार हैं, खेल हैं, इस पर भी क्या कर सकते हैं बच्चे अब बना सकते हैं, अपना जर्नल बना सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन बहसे थे टीचर, हमको एक चीज ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है कि जब हम बच्चों के ऐसी कोई चीज मतलब उनके जर्नल हम अपने लिए ले रहे हैं तो उसके अंदर बच्चों की जाती जिंदगी से मुताल्लिक कोई चीजें जो है ना शेयर नहीं होनी चाहिए। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि ओपनली उसको हम शेयर नहीं कर सकते, इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि भाई चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है हमारे पास, चाइल्ड प्रोटेक्शन उसका भी ख्याल रखना हम ज्यादा जरूरी है जर्नल के दौरान। ठीक है, तो इस तरीके से जाती जर्नल बना सकते हैं, बच्चों के इस बात की आदत डाल सकते हैं कि वे टेक्नोलॉजी के जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करते हुए बच्चे क्या करें, पर्सनल जर्नल तैयार करें। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है, और कौन सी सरगर्मी हम लोग कर सकते हैं? देखिए थोड़ा सा हायर ऑर्डर सरगर्मियां हम लोग देख रहे हैं, छोटे बच्चों के बजाय बड़े बच्चे जो बड़ी जमातों के, सानवी जमातों के या आला सानवी जमातों के बच्चे हैं, उनको इस तरफ अगर रागिब करेंगे, पॉडकास्ट का इस्तेमाल अगर वो करेंगे तो बच्चे पॉडकास्ट का इस्तेमाल करते हुए उसमें करियर भी वो लोग बना सकते हैं, अगर इसकी अगर वो आदत डालेंगे तो। ठीक है, तो क्या हो सकता है और ठीक है सर, मैं अपना पीपीटी अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। देखिए हमारे पास, हमको शुरू से कहानियां, नज़में, लतीफे सुनने का शौक होता है ना, हर उम्र के आदमी को, बच्चों की नहीं बात बता रहा हूँ मैं, हर उम्र के आदमी को कहानियां, नज़में, लतीफे सुनने का शौक। कहानियां तो हमारी जिंदगी का लाजमी जुज है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों की पसंद की, ख्वाजा मोहिद्दीन साहब, आप अपना मोबाइल जो है हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, नहीं रोटेट स्क्रीन, रोटेट स्क्रीन करके। जी, ये बेहतर। रोटेट स्क्रीन ही है ऑलरेडी। इस तरीके से, रोटेट स्क्रीन, रोटेट। हाँ जी ठीक है, तो मैं बता रहा था कि कहानियां जो है हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है, कहानियां हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों की उम्र और पसंद की, उनके दिलचस्पी के लिहाज से कहानियां हम लोग क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। कहानियों को जमा करके रिकॉर्ड टीचर भी करेगा, टीचर तो रिकॉर्ड करेगा ही, लेकिन बच्चों को भी क्या कर सकते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करने की आदत डाल सकते हैं। बच्चों से हम कह सकते हैं कि भाई आप क्या करो, अपनी पसंद की कहानियां रिकॉर्ड करो, अपनी पसंद की कहानियां जमा करो और उन्हें रिकॉर्ड करो। उससे क्या होगा, उससे एक फायदा ये होगा कि बच्चों की जो जबान है, जबान का, जबान जिसे हम कहेंगे, बच्चे जबानदानी में परफेक्ट होंगे। सर मैं लैपटॉप से ज्वाइन हो रहा हूँ, देखिए।
चलिए, देख पा रहे हैं आप अब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? स्क्रीन दिख रहा है क्या सर? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? हेलो, हाँ सर, आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ख्वाजा मोहिद्दीन सर, आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आपका पीपीटी शेयर कर लीजिए। पीपीटी शेयर ही करो सर, आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आप पीपीटी शेयर कर लीजिए। हाँ अच्छा अच्छा, दिख रहा है अभी स्क्रीन, दिख रहा है पीपीटी, नजर आ रही है? हाँ जी, आपका स्क्रीन दिख रहा है, आप पीपीटी शेयर करके। जी आया सर स्क्रीन, ठीक है, देख नजर आ रही पीपीटी। हाँ सर, पीपीटी नजर आ रही है। जी, चलो मैं शुरू कर सकता हूँ मतलब ना? ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कहानियों की, नज्मों की, है ना? तो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, अपनी कहानियां नज्में वगैरह बच्चे क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जो हमारे साथी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे माजरत चाहूंगा कि देखिए टेक्नोलॉजी के ये भी मुश्किल हैं, है ना, टेक्नोलॉजी की ये भी मुश्किल हैं कि कनेक्टिविटी अगर आपकी दूर एक मरतबा कट हो जाए तो आपसे रब्ता करना मुश्किल हो जाता। इंटरनेट भी बड़ी बला है, सही चले तो सही है, नहीं तो फिर कुछ हो गया तो ऐसा है जी। मेरा जो है ना लैपटॉप थोड़ा सा स्लो ही हो गया अचानक से, अभी पता नहीं उसको क्या हो गया। पीपीटी के शुरू होने तक हम लोग इस बात पर गौर कर रहे हैं कि भाई हम कौन सी सरगर्मियां हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इब्तदाई लेवल की सतह के बच्चों के लिए देखा था कि इब्तदाई सतह के जो बच्चे हैं उनके लिए हम मश्क, ड्रिल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक नई चीज़ हमने देखी थी कि भाई हम लोग लर्निंग जर्नल बना सकते हैं। उसके अलावा हम लोग एक चीज़, एक पॉडकास्ट की एक सरगर्मी हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से हम बच्चों के लिए उनका एक पर्सनल जर्नल बच्चे शुरू कर सकते हैं, जो ऑडियो जर्नल जिसे हम कह सकते हैं, बच्चे वो भी शुरू कर सकते हैं। ये एक चीज़ हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा कहानियाँ और नज़मों की बात हम लोग कर रहे थे। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि बच्चों को छोटी उम्र से अगर पॉडकास्ट का दुरुस्त इस्तेमाल बताया जाए, उनकी पसंद की कहानियाँ उन्हें बताई जाए, जैसे मिसाल के तौर पर कहानियाँ मतलब सिर्फ लिटरेचर वाली कहानियाँ नहीं बल्कि साइंसी कहानियाँ हो सकती हैं, जोग्राफियाई कहानियाँ हो सकती हैं, है ना, साइंसदानों की मालूमात हो सकती हैं, रियाजीदानों की मालूमात हो सकती हैं। तो बच्चे ये मालूमात भी क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को बच्चे क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, हम लोग ये भी कर सकते हैं अपनी क्लासों के अंदर। ठीक है,
इसके अलावा है ना, रियाजी दानों की कहानियां, रियाजी की तहकीकात, साइंस की तहकीकात, इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। एक चीज और है कि पॉडकास्ट का इस्तेमाल पिक्चर रीडिंग के लिए भी कर सकते हैं। पिक्चर रीडिंग यानी क्या कि तस्वीर खानी जिसे हम कहते हैं, ये तो छोटे बच्चों के साथ भी आप कर सकते हैं। बच्चों को तस्वीरें बहुत सारी अवेलेबल करवा के दी जाए, उनकी उम्र के लिहाज से, उनकी सतह के लिहाज से, उनकी पसंद के लिहाज से बहुत सारी तस्वीर अगर बच्चों को मुहैया करवा के दी जाएंगी तो क्या हो सकता है कि बच्चे उस तस्वीर को बयान करें, है ना। बच्चे जिस तरीके से तस्वीरें बयान करेंगे तो उनको एक आदत हो जाएगी कि एक इमेजिनरी किस तरीके से क्या हो रहा है, इस तस्वीर में क्या हो रहा है। और बोलने की मश्क के लिए देखिए सबसे मुनासिब सरगर्मी है, स्पीकिंग एक्टिविटीज में अगर आपको शामिल करना है कि बच्चों को बोलने लगाना है, तो इसके लिए आप पिक्चर रीडिंग वाली सरगर्मी कर सकते हैं। टीचर इसके लिए कैसा हो सकता है, टीचर इसके लिए क्या कर सकता है पिक्चर रीडिंग के लिए, तो जैसे ऐसे भी हम कर सकते हैं कि भाई टीचर क्या करे, हिदायत दे बच्चों को और हिदायत के मुताबिक बच्चे कोई तस्वीर इस्तेमाल करें, तैयार करें। वॉइस वर्सा जिसे हम कहेंगे, वॉइस वर्सा मतलब क्या, तस्वीर ना दी जाए बल्कि उसके मुताबिक हिदायतें टीचर बयान करें पॉडकास्ट पर, और उसके बाद बच्चे क्या करें उसको ध्यान में रखते हुए तस्वीरें बनाएं। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं।
इंटरनेट कनेक्शन के कनेक्शन इश्यूज की तरफ से कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से सर हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। सो अनफॉर्चुनेटली इस सेशन को हमको बीच में ही जो है रोकना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मालूमात से हम महसूस हो रहे थे। सर ने ऑडियो बुक्स और ब्रॉडकास्ट का जो है बहुत ही बेहतरीन तारीफ हमारे सामने पेश किया। काफ़ी इंटरैक्टिव ये सेशन चल रहा था और आपने बताया कि पॉडकास्ट क्या है और दरसो तदरीस में पॉडकास्ट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है हम सभी असातिज़ा कराम को इससे तारुफ करवाया और आपने बताया कि पॉडकास्ट के ज़रिए से हम ऑथेंटिक मटेरियल तैयार कर सकते हैं और हमारे जो करिकुलम बुक्स है उसको हम एक ऑडियो की शक्ल दे सकते हैं और असेसमेंट में यानी कि जांच में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और तलबा के फहम की जांच करने के लिए भी पॉडकास्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सर ने बताया कि पॉडकास्ट किस तरह हम तैयार कर सकते हैं, उसका क्या प्लेटफॉर्म है, उसके लिए हमको किस तरह के जो है एलिमेंट्स की हमको बेसिकली ज़रूरत पड़ती है, किन किन टेक्नोलॉजी की हमको ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें सर ने हमें बताई और क्या क्या एक्टिविटीज़ हम पॉडकास्ट के ज़रिए से कर सकते हैं वो भी सर ने बताया, जिसमें आपने बताया कि जो प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे हैं जो तलबा हैं उनके लिए जो है हम ड्रिलिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हम करवा सकते हैं पॉडकास्ट के ज़रिए से और इसमें सारे ही सब्जेक्ट की हम ड्रिलिंग एक्सरसाइजेस यहाँ पर करवा सकते हैं और उसके अलावा लिसनिंग एंड रीडिंग एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं पॉडकास्ट के ज़रिए और लिसनिंग एंड राइटिंग वाला भी हम एक्टिविटीज़ बेसिकली इसे हम करवा सकते हैं और डिक्टेशन के लिए भी पॉडकास्ट का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से हम एक उस्ताद के तरह हम जो है बच्चों से हम डिक्टेशन मोस्टली हम देते हैं क्लासरूम में, तो इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और ऑडियो जर्नल्स की सर ने बात की, लर्निंग जर्नल जो हम पॉडकास्ट के ज़रिए बना सकते हैं जिसमें तलबा अपने ऑडियोज़ को जो है ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने ऑडियो पॉडकास्ट को जो है अपलोड कर सकते हैं और इसको एक मीनिंगफुल एक्टिविटी किस तरह से बनाया जा सकता है वो भी सर ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पेश किया। और ये भी बताया कि टीचर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी आप बच्चों से पॉडकास्ट जो अपलोड करवा रहे हैं उसमें किसी तरह का जो है पर्सनल डिटेल्स बच्चों की ना अपलोड करवाएं और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए किस तरह पॉडकास्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी सर ने बताया कि कहानियों के को जो है रिकॉर्ड करने के लिए और नज़्म व शायरी को रिकॉर्ड करने के लिए और कोई सब्जेक्ट रिलेटेड जो नॉलेज हो उसको रिकॉर्ड करके हम शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ पिक्चर रीडिंग के ज़रिए जिससे हम लिसनिंग स्किल्स हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सर ने और सर ने काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन जो है हमारा रहा जिसमें आपने टीचर से भी जो है सवाल किए, उनको बिल्कुल एक्टिव रहने का पूरा पूरा मौका फराहम किया। बट अनफॉर्चुनेटली करेक्शन इशूज़ की वजह से हम सर से जुड़ नहीं पाए, तो अभी हम इस प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम करते हैं और मैं आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का, तमाम असातिज़ाए कराम का और जो भी लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आप तमाम लोगों का मैं फर्दन शुक्रिया अदा करती हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से और खुसूसी तौर पर सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर्स की जानिब से और इसी के साथ साथ मैं इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसके ज़रिए से आज हम ये प्रोग्राम को जो है बाकायदा यूट्यूब पर हम चला रहे हैं। सो यहीं पर इस प्रोग्राम का अख्तिताम होता है। अस्सलामुअलैकुम।